हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। शुभ्रा शर्मा, और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे। और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ बीट रूट से रिलेटेड, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बीट रूट रूट का हम यूज़ किस तरह से अपने फेस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है ये बीट रूट, और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक पटैटो, और उसके अलावा हम लेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो चलिए हम पहले इसको किस तरह से बनाते हैं पहले वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है ये बीट रूट यानी कि चुकंदर, और लिया है मैंने ये आलू। और इसमें आपको जो है चुकंदर थोड़ा कम डालना है और आलू आपको एक डालना है। मान लीजिए अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना के रख रहे हैं तो एक चुकंदर और दो आलू आप इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं चुकंदर को, और उसके बाद हमने इसको देखो पीस लिया है चुकंदर को, और अब हम इसमें डालेंगे हमने जो घिया कस करे थे आलू को अच्छे से हमने कद्दूकस करके इसका रस निचोड़ लेंगे हम। और ये 1 से 2 चम्मच आलू का रस होगा इसमें। इसको हम अच्छे से इसको निचोड़ देंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है, तो 1 चम्मच लगभग मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है, और इसको भी अच्छे से हम मिला देंगे। और साथों साथ इसमें इसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा हल्दी पाउडर, और जो कि लेना है बहुत जरा सा, बहुत हल्के से पिंच भर हल्दी हमें लेनी है। उसको भी डाल के हम इसको अच्छे से इसको मिला देंगे। अब जो ये हमने पेस्ट रेडी करा है, इसको हम जो आइस ट्रे होती है उसमें हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख देंगे, और जब ये फ्रीज हो जाएंगे उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। और यूज़ इसका किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने भर दिए हैं इसमें। मेरे पास राउंड शेप वाली आइस ट्रे थी तो मैंने उसी में ही इसको डाल दिया था, और इसको लगाने से आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखिएगा, ये इस तरह से आपके क्यूब्स बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपके क्यूब्स जब बन जाएंगे तो आपको इसको लेना है और इसको अपने फेस पे इस तरह से, ये देखिए, सर्कुलर मोशन में आपको इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है इस तरह से। ये देखिए, ये अपना रंग छोड़ता जाएगा, और इसका आप देखेंगे इसका बेनिफिट आपको कितना जल्दी देखने को मिलेगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसमें पटैटो है। पटैटो जो होता है वो डार्क सर्कल को रिमूव करने में बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ जो हमारे ये ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी चुकंदर, एलोवेरा और आलू का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होता है हमारे स्किन को। और आपको इसको बिल्कुल भी अपने हाथ को प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ, मेरे भी डार्क सर्कल हैं, ये देखिए, मैं भी यहाँ पे लगाऊंगी। और इस तरह से आप पूरे फेस पे अपने अप्लाई कीजिए आराम आराम से, कोई आपको प्रेशर नहीं करना है, और आप इसको रेगुलर बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि रोज़ के रोज़ हम आलस कर जाते हैं कि अब हम पहले बीट रूट को घिसेंगे या उसको पीसेंगे जो भी कुछ, और फिर पटैटो को हम पील करें उसके बाद फिर उसका भी रस निकालें, तो हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से क्यूब्स बना के रखेंगे तो इससे क्या होगा, आप इजीली अपने फेस पे आप निकालें और अप्लाई कीजिए। और आगे आगे वैसे भी समर आ रहा है, उसके लिए भी और भी ज़्यादा फायदेमंद है। आप चुकंदर का रस भी पीजिए, उससे भी फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, और इसको ऐसे फेस पे अप्लाई कीजिए तो अलग ही ग्लो, पिंकिश वाला चेहरा आपका अलग ही ग्लो करता हुआ आपको भी दिखेगा इसका रिज़ल्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस तरह से आप आराम आराम से इसको पूरे
अपने फेस पे एब्जॉर्ब होने दें। देखिए इस तरह से हल्के हल्के ऐसे करके आप मोशन इसको सर्कुलर मोशन में आप घुमाइए, आइज के आगे, ये जो नीचे है आइज के थोड़े ऊपर, जो रिंकल्स की आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपका धीरे 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 करते करते जो है आपका साफ होता चला जाएगा। आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। ये देखिए इस तरह से आप मसाज करते जाइए, ये देखिए। और जब ये अच्छे से आप मसाज कर लेंगे उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो लीजिए। इस तरह से आप कीजिए इसको, आप 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मसाज दीजिए फेस पे, फिर आप इसको ठंडे पानी में धो लीजिए। फिर जो भी आप अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो आप अपने फेस पे लगा लीजिए, और अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए, उससे भी आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं करती हूँ अपना ठंडे पानी से इसको वॉश करके आती हूँ। और ये जो है ये डार्क सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल के पास ये जो ब्लैक हेड्स होते हैं नोज़ के आसपास, ये एरिया, इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, कोई प्रेशराइज नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है। और अगर आपको इसको करते हुए कोई इचिंग महसूस हो रही है या कुछ भी हो रही है तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ इसमें सूट नहीं करती है। जो भी चीज़ आपको आपके फेस में सूट नहीं करती है तो आप उसको अप्लाई ना कीजिएगा, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। लेकिन चुकंदर और आलू का रस तो मुझे लगता है सबके ही फेस को सूट करता होगा। तो ये देखिए अच्छे से हो गया है ये। अब हम करते हैं अपने फेस को वॉश। तो ये देखिए मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है ठंडे पानी से। अब आप चेहरे पे देख लीजिए, आप एकदम पिंकिश ग्लो आपको दिखेगा चेहरे पर। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है मेरा फेस, और रेगुलर जब आप इसका यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो अब जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगाइए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मेरा, तो अब मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ फ्रूट क्रीम, और आप इसकी जगह एलोवेरा जेल ले सकते हैं या जो भी आप मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा सकते हैं आप वो लगाइए। और आप मेरे चेहरे पे ग्लो देखिए, सिर्फ एक बार में इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये और भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो बस इसी वीडियो के साथ करती हूँ मैं आप सबको बाय बाय, जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।